ये साइना की पढ़ाई नहीं हो पाई। कोई मेरे से पूछता है कि आपकी बच्ची की क्या एजुकेशन है, तो मेरे से पहले साइना को गुस्सा आ जाता है, पापा क्या बताएंगे आप, मगर डोंट वरी बेटा कोई बात नहीं। तो बैडमिंटन, अगर बैडमिंटन में ये मेडल नहीं मिलता तो साइना की एक एक बहुत भारी सेटबैक होने को जा रही थी। लेकिन मैं ऑलमाइटी का यहाँ शुक्रगुजार हूँ, जो भी ताकत है, चाहे वो गॉड है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो प्रभु है, चाहे वो अल्लाह है, वो साइना की मददगार है, हमेशा मदद करते हैं। और आज ये अनएक्सपेक्टेड वे में जो हुआ, ये सब उसी का ही नतीजा है। 18-21 से पहला मैच हारने के बाद वो लड़की नहीं सस्टेन कर पाई, वो खड़ी भी हुई, उसने कोशिश भी किया होगा, लेकिन साइना को किस्मत ने यहाँ साथ दिया और वो आज हम ये कंफर्मेशन हो गया क्या तो ये जो है मेडल भी ले लिया। तो ये मैं आप लोगों का शुक्रगुजार, आप लोगों ने जो मेरे को जो प्यार दिया है, जो मेरे को यहाँ बैठा के हाँ, तो ये जो है ये सब मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जो मेरे से गलती या साइना से गलती इसको माफ कर देना, लेकिन दिली तौर से मैं बता रहा हूँ, दिली तौर से हम जीतना चाह रहे थे, साइना जीतना चाह रही थी और उसकी नजर गोल्ड पे थी, और गोल्ड में भी वो चूंकि बैंगी यहां से लड़ रही थी, इस बार उसको ये सोच कर गई थी मैं बैंगी यहां को हराऊंगी। तो कल मेरे को 11 बजे फोन किया उसने, मैंने कम से कम 5-7 मिनट उसको समझाया होगा, रत्नागर जी के फोन के बाद उनका फोन आया था कि पापा मैं परेशान हूँ कि मेरे को वो मेरी स्ट्रेंथ से जो मैं खेल रही, मेरे पैर जकड़ गए, मैं खेल नहीं पा रही थी। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर आज तेरे पैर जकड़े गए तो कल खुलेंगे भी, डोंट वरी, तू कल अच्छा खेलेगी। तो फिर उसके बाद फोन नहीं किया, अब तक भी उसने मेरे को जबकि गेम मैच में जाने से पहले हमेशा मेरे को फोन करती है, और मेरे को परसों ये कह रही थी इसके जीतने के बाद कि आप लंदन आ जाइए और टिकट आपके पास है। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा, इस बार मैं नहीं आऊंगा, आप खेलिएगा और भगवान तुम्हारी मदद करेगा। और वैसे वैसे वो नहीं है कि भाई मंदिर जाएंगे या कहीं जाएंगे, लेकिन वो भी जानती है मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं हाँ कोई पूजा करता हूँ या कोई ऐसा है, लेकिन उसको भी एक चीज है कि मेरे को संबड़ी स्पोर्ट्स में संबड़ी भगवान या जो भी कृपा है उसके ऊपर, वो असीम कृपा है, नहीं तो ये अचरज भजी चीज नहीं होती साहब। एक चाइनीज वर्ल्ड नंबर 2 जो है ना, वो ऐसे ऐसे पहुंच गए क्या, पुराना दिखा रहे हो, उनका चल रहा होगा ना वो सिंगल। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं और अब ज्यादा अल्फाज नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिला मेरे लिए को नहीं, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, बच्ची को एक सेटिस्फेक्शन मिला, आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का। क्यों अब कल देखिएगा, कल मेरे पास मिठाई नहीं, मेरे पास वैसे कभी मिठाई होती नहीं है, जब भी बीजिंग 2008 बिस्किट टू यू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये वास्तव में एक फिनोमिनल जिसको कहते हैं ना कुदरती देन, आज कुदरती देन मान के चलिए, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और चाइना की वजह से कितने ही प्लेयर्स आगे गए हैं, इंडिया के जो उसने 2008 के बाद सीनियर्स नेशनल नहीं खेला, तो वैसे कोई ऐसी चीज नहीं होगी थी, सिंपली इसलिए कि मेरी दूसरी बच्चियां जो मेरे को बाद में ये कहते हैं, वो अपेरेंटली ना कहें आपको, लेकिन साइना ने उनको जगह दी। 2009, 2010, 2011 3 टूर्नामेंट साइना ने दिए, जो कि कोई गाड़ी दे रहा था, कोई दे रहा था, उसकी वजह से बहुत बहुत जगह लोगों को प्रोत्साहन मिला। कभी किसी को बुरी नजर से नहीं देखती, कभी किसी को इस हालात में नहीं देखती कि मेरी वजह से इसको नुकसान हो, किसी को तकलीफ, तो शायद खड़ी थी पीछे देख रही थी उस बच्चे को भी कि भाई क्या हो गया, ऐसा लड़ाई झगड़ा के साथ अगर हो तो बात अच्छा है, लेकिन शायद उसको वो शायद इंजर्ड थी, क्योंकि वो इंचियोन के सामने 3 मैच करके जीती। तो मैं ये कल सोच रहा था साइना ने इंचियोन को इजी भी हरा देती है, और ये 3 मैच करके आई है उसके साथ क्वार्टर में, तो आज का मैच और फिर ज्वेरी से भी वो जरा अच्छी टक्कर ली उसने, ज्वेरी वो तो फार बेटर है, लेकिन लेफ्ट हैंडी के होने की वजह से साइना लेफ्ट हैंडी को अच्छा खेलती है, लेफ्ट हैंडी प्लेयर्स को हमेशा अच्छा खेलती है, और आज मुझे उम्मीद थी कि साइना अवश्य जीतेगी, इसलिए मैंने उनको फोन भी नहीं किया, उनका रिसीव उन्होंने किया ही नहीं मेरे को। और ये जो नेचुरल फिनोमिना आपके सामने आया है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, भगवान का, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।